नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लास हो रही है वो हो रही है बीए फर्स्ट ईयर की, प्लस में बीए बीएड इंटीग्रेटेड फोर ईयर वाली जो क्लास है, बीए बीएड सेकंड ईयर, प्लस में एमए प्री का जो जियो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है उसके पेपर, जिसे अपने भू आकृतिक भूगोल का जो पेपर है जियोमॉर्फोलॉजिकल, उसका है टॉपिक। और अपने बात आज कर रहे हैं, आज जो हमारी बात हो रही है वो है बलों के बारे में, बल और उस बल में, बल कौन से बल, पृथ्वी पर से, पृथ्वी से संबंधित जो बल होते हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं। बल देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी पर लगने वाले बल। बल क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है? कोई एक क्रिया होती है जो इस धरती के ऊपर लगती है तो वो बल के अंतर्गत आता है। देखिए, इस बल लगने से कोई ना कोई इस मूवमेंट चेंजिंग होता है धरातल के ऊपर, और जो धरातल पर चेंजिंग जो होती है वो बल के ही कारण होती है। तो धरातल पर लगने वाला बल, बल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक आता है आंतरिक बल, आंतरिक बल, और दूसरा जो होता है उसका नाम है बाह्य बल। आंतरिक बल, बाह्य बल, बाह्य जो बल होता है। आंतरिक बल वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगता है, पृथ्वी के अंदर से लगता है, इसे आंतरिक बल कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर धरातल पर जो बल लगते हैं इसे बाह्य बल कहते हैं। दूसरी बात, बल की तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। एक है मंद गति के बल, मंद गति के बल, और दूसरे हैं तेवर गति के, तेवर गति के बल, मंद गति के बल और तेवर गति के बल। ये जो बल की फोर्स है उसकी स्पीड के आधार पर है या तीव्रता के आधार पर है। तो अभी मैंने बताया बल दो प्रकार के, आंतरिक बल और बाह्य बल, और तीव्रता के आधार पर मंद गति के बल और तीव्र गति के बल। मंद गति के बल वो बल होते हैं जिस बल, जहाँ पे जो मंद गति के बल लगते हैं वहाँ पर परिवर्तन होने होते होते कई वर्षों लग जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि वहाँ पे कोई चेंजिंग हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुआ है। तो वो मंद गति के बल होते हैं, बहुत धीमी गति के बल होते हैं, और एक तीव्र गति के बल होते हैं। ऐसे बल जो आँख झपकने के साथ ही परिवर्तित हो जाते हैं उसमें तीव्र गति के बल होते हैं, इन्हें अकस्मात बल, अकस्मात बल या आकस्मिक बल, आकस्मिक बल भी कहा जाता है। इसके अंदर उदाहरण है ज्वाला मुखी और भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप। आज हम आंतरिक बलों की बात कर रहे हैं, और आंतरिक बलों के अंदर हम तीव्र गति के जो बल, आकस्मिक बल जो बल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आकस्मिक बल में ज्वालामुखी और भूकंप दो बल है। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ ज्वालामुखी की बात करेंगे, और आगे जो क्लास होगी ज्वालामुखी कंप्लीट होने के बाद तब हम बात करेंगे भूकंप की। सबसे पहले अपने आज हेडिंग लगा लो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। सबसे पहले ज्वालामुखी का अर्थ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ देखिए, ज्वालामुखी का जो अर्थ है वह है, अर्थ से देखिए, ज्वालामुखी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्वाला प्लस मुखी, ज्वाला प्लस मुखी। ज्वाला का अर्थ है
आग, ज्वाला का अर्थ है आग और मुखी का अर्थ है छेद या मुंह, छेद या मुंह है। ज्वाला माने आग और मुखी का अर्थ है छेद या मुंह। अब देखिए ज्वालामुखी, देखिए ये कोई छेद है, ये कोई छेद है, इस छेद से कोई एक तप्त द्रव पदार्थ बाहर आता है तो इस छेद को हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। छेद को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। पृथ्वी पर वह छिद्र जिससे होकर होकर तपत द्रव पदार्थ बाहर आते हैं, बाहर आते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी का वह छिद्र जिससे होकर तप्त द्रव पदार्थ बाहर आते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए ये जो छेद है, ये जो छेद है सिर्फ इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस छेद से पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा जो चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर जो है इससे मैग्मा बाहर आता है और इस छेद से इस जो इस भूभाग को तोड़कर बाहर आता है, तो इस मैग्मा चैम्बर को तोड़कर बाहर आता है तो इसे अपने इस छेद को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। वह पृथ्वी का वह भाग या वह छिद्र जहाँ से लावा बाहर मैग्मा बाहर निकलता है इसे अपने क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर है, लावा और मैग्मा में क्या अंतर है। लावा, देखिए पहले पृथ्वी के अंदर द्रव पदार्थों को मैग्मा कहते हैं और जब वो द्रव पदार्थ पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं, पृथ्वी के बाहर आए मैग्मा पदार्थ को लावा कहते हैं। कहने का अर्थ क्या हो गया कि पृथ्वी के बाहर जो द्रव पदार्थ आते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, जो बाहर होते हैं उन्हें अपने लावा कहते हैं और जो पृथ्वी के अंदर होते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ये द्रव पदार्थ कहाँ से पैदा होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई में जाने पर 32 मीटर की गहराई में जाने पर 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। और मैंने आपको बात बताई थी कि 2900 किलोमीटर से लेकर
अपने 51-50 किलोमीटर तक द्रव पदार्थ हैं, जिसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल या हम बात करें प्लास्टिक दुर्बलता मंडल, ये वैसे 700 से शुरू हो जाता है, लेकिन जो मध्यम जो रूप होता है वो 2900 से 5100 किलोमीटर के बीच होता है, और यहाँ प्रॉपर क्या द्रव अवस्था में चट्टाने पाई जाती है। इतना अधिक तापमान बढ़ जाता है पृथ्वी की गहराई में, इतना अधिक तापमान हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी ठोस पदार्थ जो है ठोस अवस्था में नहीं रह पाता, और वह द्रव अवस्था में पिघल जाता है, और फिर वो क्या है, द्रव अवस्था में पिघला हुआ जो पदार्थ होते हैं इसे कहते हैं मैग्मा। और वो इतना अधिक टेम्परेचर होता है, इतना अधिक उसका तापमान होता है, इसका तापमान अधिक होने के कारण जब ये बाहर आता है, जब ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये यहाँ से दबाव से या घनत्व के कारण या द्रव्यमान के कारण इसमें दबाव पड़ता है, और ये कोई भी देखिए अगर ये कोई भाग है और ये हमारा पृथ्वी का यहाँ कोई लिक्विड पार्ट है, और इधर भी दबाव पड़ेगा, इधर भी दबाव पड़ेगा, इधर भी दबाव पड़ेगा, इधर भी दबाव पड़ेगा, जहाँ भी दबाव पड़ेगा तो ये जिधर भी कमज़ोर होगा उधर की ओर निकलने की कोशिश करेगा, अपने कमज़ोर पक्ष की ओर जाएगा। और मान लो कि कमज़ोर पक्ष की ओर जाता है तो वो कमज़ोर पक्ष को यहाँ मान लो उसने तोड़ दिया, तोड़ के ये काफ़ी ऊंचाई में बाहर आता है, ठीक है। तो ये कमज़ोर जब कम धरातल कमज़ोर होता है उसको तोड़ के बाहर आता है, और जब धरातल से बाहर आता है तो क्या होता है, ये अपने ये कह सकते हैं कि जब वो धरातल से बाहर आता है तो अधिक तापमान होने के कारण ये आग जैसी लपटें जैसी निकलती है, तो इसे ज्वाला माने आग का ही पर्यायवाची है, और इस छेद से एक आग रूपी ठीक है लपटें बाहर निकलती है, आसमान में काफ़ी ऊंचाई में चला जाता है, और इसे एक ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरी बात आती है, हमने मैग्मा और कर लिया, और तापमान बढ़ने के कारण इसमें क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। आगे देखिए आगे देखिए हम बात करते हैं ज्वाला मुखी और ज्वाला मुखी विस्फोट में अंतर, कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी विस्फोट में क्या अंतर है। तो बता दिया मैंने आपको, अभी बताया कि ज्वालामुखी सिर्फ वह छेद जिससे मैग्मा निकलता है, सिर्फ वह पृथ्वी के ऊपर सिर्फ वह छेद जिससे मैग्मा निकलता है, इस छेद को ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट में जहाँ से मैग्मा निकलना शुरू होता है या जहाँ से मैग्मा उठना शुरू होता है, वहाँ से लेके पृथ्वी के बाहर मैग्मा आता है, आसमान में ऊंचाई में जाता है, पुनः वापस आके गिर जाता है, और जब तक कि लावा की चट्टानें आग्नेय चट्टानों का निर्माण न हो तब तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी वह छिद्र या वह दरार जिससे आंतरिक भाग से द्रव पदार्थ बाहर आते हैं, तरल पदार्थ बाहर आते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया पूरी होती है। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की बात करते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं, इसमें अपने कह सकते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के पदार्थ हैं। जैसे गैसें, जलवाष्प और धूल कण, या हम कहते हैं धुआं,
ठीक है, निकलने वाले जो पदार्थ हैं, गैसें, जलवाष्प, धूल कण, और उसके बाद में चौथा जो है इसे कहते हैं ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ ज्वालामुखी से निकलने वाले सर्वाधिक जो पदार्थ होते हैं, सर्वाधिक सर्वाधिक पदार्थ वो क्या होते हैं? जलवाष्प होते हैं। जलवाष्प सर्वाधिक निकलता है ज्वालामुखी से, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो सर्वाधिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? जलवाष्प होते हैं। और भिन्न भिन्न, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं गैस कि ज्वालामुखी के दौरान, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान विभिन्न प्रकार की गैसें जमीन से या पृथ्वी से बाहर आती है, जैसे CO2 हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, या हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो ये बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें बाहर आती है। और गैसों के साथ कुछ जो O2 प्लस ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ मिलके बाहर आती है, तो मुख्यतः जो पृथ्वी के ज्वालामुखी से जो आने वाले पदार्थ, निकलने वाले पदार्थ है, सबसे पहले निकलती है गैस। गैस के साथ क्या निकलता है? जलवाष्प, माने गैसों के साथ घुला हुआ जलवाष्प भी बाहर आता है। फिर उसमें जैसे राख होती है या धुएं के कण होते हैं या धूल के कण होते हैं, वो भी बाहर आते हैं। तो ये तो तीन तो मेजर पॉइंट हो गए। और तीसरा जो होता है ठोस पदार्थ, कि देखिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट में मैग्मा चैम्बर से जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होती है? ठोस होती है। और उसको तोड़ के बाहर आते हैं। जब तोड़ के बाहर आते हैं तो वो ठोस पदार्थ बाहर आते हैं, तो चट्टानी टुकड़े बाहर आते हैं। क्या आते हैं? चट्टानी टुकड़े बाहर आते हैं। तो चट्टानी टुकड़े जो बाहर आते हैं, तो वो चट्टानी टुकड़े जो होते हैं वो ठोस पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो ये ठोस पदार्थ जो होते हैं वो चट्टानी टुकड़ों के होते हैं, चट्टानी टुकड़े बाहर आते हैं। और आगे हम बात करते हैं ठोस पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ठोस पदार्थों के अंदर बात करते हैं। तो ठोस पदार्थों को कई भागों में बांटा जा सकता है। ठोस पदार्थों के देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें आता है, चार पांच प्रकार के हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं लेपिली के बाद में आता है, सबसे पहले लेपिली के बाद में ब्रेशिया के बाद में टफ के बाद में प्यूमिक, फिर आता है लेपिली, ब्रेशिया, टफ, प्यूमिक, ज्वालामुखी बम्ब, और एक पदार्थ और है जो इस लेपिली से समान से है, ब्रेशिया, जो तिकोणा आकार के, तिकोणे जो आकार के और जिसके दो ओ भाग तीखे हों, तिकोणे आकार के जो होते हैं उसे ब्रेशिया कहते हैं। और टफ जो होती है कि जो चट्टानी पदार्थ होते हैं उसके बीच में रेत फंस के सेट हो जाती है, उसे टफ कहते हैं। और प्यूमिक ज्वालामुखी के जो द्रव पदार्थ हैं उस पर जो झाग होते हैं वो प्यूमिक होते हैं। और ज्वालामुखी बम बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं जो छेद में फंस जाते हैं और एक धमाके के साथ बाहर आते हैं, इसे ज्वालामुखी बम कहते हैं। लेपिली जो होती हैं वो जो होती है वो अपने कह सकते हैं अनार दाने के समान होती है, एक होती है सकोरिया और ये होती है नींबू के आकार के। तो ये यहाँ अपने कह सकते हैं ठोस पदार्थ निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो आज इतना ही, आज हमारा टाइम पूरा होता है, कल की जो क्लास होगी उसमें इसे आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।